जैन दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुके हैं दोस्तों। इस बार एयर इंडिया के वाराणसी एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकले हैं। इसके पहले नागपुर, मुंबई, विशाखापट्टनम जैसे काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी निकल के आ चुकी है। फिलहाल अभी जो है वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है, जिसका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के होने वाला है। और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको अनिल सर आईटी वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पर भी जाइए तो वहां पर इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया गया है, जहां से आप रिक्रूटमेंट डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखिएगा अंत तक ताकि पूरी जानकारी आपको मिले। और भी कई सारी वैकेंसी, लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप जैसी काफी सारी अपडेट चैनल पर मौजूद है, एक बार चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की अभी हम देख लेते हैं दोनों नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से है, जिसमें टोटल 498 पोस्ट है, जिसमें 80 पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 64 है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 121 पोस्ट है, हैंडीमैन के लिए 230 सीट है दोस्तों। और वहीं हम बात करें वाराणसी एयरपोर्ट के लिए, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से है, और ये वैकेंसी जो है यहाँ पर देखिएगा तो वाराणसी में 11 पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का, और आरएसए यूएआरडी के लिए 5 सीट है और हैंडीमैन के लिए 20 सीट है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए 10+2+3 पैटर्न पे, जिसमें सैलरी आपके 25,980 रुपये होगा। वहीं हम जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करें, 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी एयरलाइन और एविएशन से, तो वो इसके लिए एलिजिबल, वो भी मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप 12th पास आउट है तो और आपको तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। सैलरी है 23,640 रुपये। आगे की बात करें हम रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में, तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल में, ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं से भी आपका डिप्लोमा आया होना चाहिए, या आपके पास आईटीआई पास आउट होना चाहिए और साथ ही अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। आईटीआई विथ अप्रेंटिसशिप टोटल 3 साल आपका होना चाहिए, आईटीआई 2 साल और 1 साल का अप्रेंटिसशिप, ये कहीं से भी हो। ये नहीं कहा यार कि आपके यहाँ से अप्रेंटिसशिप, कहीं से भी आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं 1 साल का तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मोटर व्हीकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, एयर कंडीशनिंग है, डीजल मैकेनिक वाले या इसको अप्लाई कर पाए, साथ ही फीटर और बिल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो इनके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट, सॉरी उसका लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, ठीक है, और आप उसके लिए ट्रेन टेस्ट भी आपको पास आउट होना होगा। सैलरी की बात करें तो 25,980 होगा। एज की बात करें तो मैक्सिमम जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल, एससी के लिए 33 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में 10th पास आउट चलेगा, लेकिन हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी सैलरी 23,640 मिलेगी। वही एज है 28 जनरल, 31 ओबीसी और 33 है एसटी एसटी के लिए। हैंडीमैन में 10th पास आउट चलेंगे, उनको इंग्लिश पढ़ना और समझना आना चाहिए और उनको लोकल लैंग्वेज हिंदी उनको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 21,330 सैलरी मिलेगी, जिसमें जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल रखा गया और एससी एसटी के लिए 33 साल उम्र रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन प्रोसेस है पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू के आधार पर होगा। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू या वर्चुअल इंटरव्यू होगा, उसी के बाद सिलेक्शन आपका किया जाएगा। हैंडीमैन में पहले आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, वेट लिफ्टिंग रनिंग होगा आपका, उसके बाद आपका पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू से कोई एक इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक ही दिन सेम डे से कंडक्ट कराया जाएगा, इसका ध्यान रखें। सिलेक्शन के लिए अप्लाई कैसे करें, वर्क इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करेंगे,
तो आपको अप्लाई नहीं करना है कहीं पर भी, आपको सीधे एप्लीकेशन फॉर्म में उसको फिलअप करना है और उसके साथ आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को, जो भी एसटी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एक सर्विसमैन है, तो वो उनके लिए फीस कोई नहीं लगने वाला है, सिर्फ फॉर्म आप लेते जाइएगा आपका हो जाएगा। और आप जनरल ओबीसी हैं तो आप इसके लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे या ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट देख लीजिए, दोनों के लिए अलग अलग है, एयरपोर्ट अथॉरिटी सर्विस लिमिटेड मुंबई एक है और एक जो है आपको अलग देखने को मिलेगा बनारस होगा, एक बार देख लीजिएगा क्या दिया गया है यहाँ पे ठीक है, तो उसको देख करके अप्लाई करिएगा, ये दोनों मुंबई के लिए ही है और देख लीजिए जहाँ पर आप इलिजिबल होंगे, जहाँ पर नजदीक होंगे, और साथ ही आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो है इंटरव्यू के लिए लेकर जाने होंगे ठीक है। तो ये बात चेकआउट कर लिए नोटिफिकेशन को भी, अगर आप इच्छुक होंगे और इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपके पास ITI पास आउट है साथ ही अप्रेंटिसशिप भी किए हुए, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हम कहते हैं अपने जीवन में ITI करने के बाद एक बार अप्रेंटिसशिप जरूर करें ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही ITI वेबसाइट पे आप विजिट करें करियर ऑप्शन पे, तो सभी वैकेंसी की जानकारी आपको मिल जाएगी और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट आते रहता है जिसकी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो ये अच्छी खासी पोस्ट थी देखिए, तो जो पोस्ट है इसमें चेन्नई में ज्यादा सीट है लेकिन बनारस में कम है, लेकिन चेन्नई में लगभग 500 के करीब सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए एक बार, अगर इच्छुक में जाना चाहता तो चले जाइए ठीक है। मिलता है वीडियो अगली के साथ। और एक बात, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आते हैं वहां से इंटरव्यू दे करके, तो जो भी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं एक बार उसका जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा हमारे ईमेल ID पे जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि जो भी कैंडिडेट अगला एग्जाम देने जाए या इंटरव्यू में जाए तो उसके लिए हम वीडियो बना पाए कि इंटरव्यू में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछा गया। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।